राजस्थान के लाखेरी उपखंड क्षेत्र के पापड़ी गांव में दारू की दुकान पर दिन दहाड़े शाम 5 बजे पिस्टल की नोक पर 43,000 रुपए की लूट का पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि बाबई निवासी सेल्समैन ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर लेकर मेरी दारू की दुकान पर आकर रुके और अंदर आकर मेरे ऊपर पिस्तौल तानकर गले में रखे 43,000 रुपए लूट कर ले गए। साथ में मेरी जेब से मेरा मोबाइल भी निकाल ले गए। इस पर थाने ने धारा 392 452 IPC में दर्ज कर संदिग्ध लुटेरों की तलाशी में नाकेबंदी शुरू करवा दी व टीम बनाकर लुटेरों को डिटेन किया। इस त्वरित कार्यवाही पर पुलिस अधीक्षक यादव ने प्रशंसा पत्र के साथ नगद इनामी राशि पुलिस टीम को दी। कल लगभग 5:15 बजे सूचना मिली कि पापड़ी गांव में जो ठेकेदार है उसके सेल्समैन के साथ पिस्टल दिखा के 3 लोगों ने लूट की वारदात की और गले में से रुपए निकाल लिए। सूचना मिलते ही कंट्रोल को सूचित किया और SP साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई 4 SHO की और जगह जगह नाकाबंदी की। आगे यहाँ टोंक पुलिस से भी संपर्क किया गया, नाकाबंदी करवाई गई। तो टोंक में अलीगढ़ थाना क्षेत्र में देवली गांव है, वहाँ पे उन लोगों को ग्रामीण कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 4 लोग। कहाँ गए हैं 4? लूट की राशि बरामद। हाँ, लूट की राशि उनके पास ही थी और जो पिस्टल थी वो भी उनके पास। पिस्टल खाली थी और 4 कारतूस मिले। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।